ग्राम पंचायत हमीरपुरा बड़ा की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ, मन नरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत हमीरपुरा बड़ा, सरपंच राकेश रावत, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच हमीरपुरा बड़ा, जिला बांसवाड़ा। ग्राम पंचायत बारी की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ, मन नरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत बारी, सरपंच श्रीमती तोला भाभोर, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच बारी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं News20 India और मैं हूँ आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इन दिनों कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम है, इसी बीच देश के आर्थिक सामाजिक हालात में भी सुधार होते नजर आ रहे हैं। वहीं हम बात करें बच्चे और नवजात शिशु की, तो मां की दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस जागरूकता का संदेश लेकर विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इसी के एक वानगी राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर देखने को मिली। जिले के सबसे बड़े अस्पताल महात्मा गांधी अस्पताल में 1 अगस्त से शुरू हुए विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज कार्यक्रम के समापन के अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर वनिता त्रिवेदी ने बताया कि एक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताएं, पोस्टर, स्क्रिच, ड्राइंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करके लोगों में जागरूकता का संदेश दिया। समापन के अवसर पर अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने मां के दूध के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस कप्तान कावेंद्र सिंह सागर ने कहा कि मां के दूध में शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। स्तनपान कराने के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित करने के लिए शपथ भी ली गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर और छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं से कार्यक्रम में डॉक्टर ओपी उपाध्याय, डॉक्टर के रंजन चरपोटा, डॉक्टर के एल मैडा, डॉक्टर प्रद्युमन जैन आदि उपस्थित रहे। हर साल मनाया जाता है, 1 से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसमें ये मेन मोटो यही रहता है कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाना होता है, स्तनपान को, मतलब हर माँ को, माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराए उसका एक प्रोत्साहन जरूरी है। इसमें क्या है कि एक वो रहता है कि भाई हमारे 7 दिन की एक्टिविटी रहती है, जैसे मैडम ने बताया है, उसमें हर दिन एक अलग अलग एक्टिविटी रहती है, पर मेन उद्देश्य यही रहता है कि अपने भाई स्तनपान को अपन बढ़ाएगा। इस बार हमारे इसका मेन चीज़ जो थीम है वो है स्तनपान जीवन का आधार। जो स्तनपान प्रबंधन केंद्र हमारा बना हुआ है, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का सबसे खूबसूरत कोना है, आप कह सकते हैं, बहुत मेंटेन्ड है। यहाँ पर विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन हमने शुरू किए थे 1 अगस्त से, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन हमने किया था, और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ये स्तनपान सप्ताह हमने मनाया, जिसमें हमने विभिन्न कार्यक्रम किए। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ANM JNM ट्रेनीज जो बच्चे हैं, उनके साथ हमने पोस्टर्स कॉम्पिटिशन और एसे राइटिंग, क्विज कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, इस तरह के कुछ हमने कॉम्पिटिशन किए थे उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए। जैसे आज हमारा समापन समारोह था, तो प्रोत्साहन के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को इनवाइट किया था और उनसे इन बच्चों को सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी दिलवाई। इसी के तहत हमने आशाओं की वर्कशॉप की थी, यशोदाओं की वर्कशॉप की थी और कम्युनिटी विजिट भी की थी। थैंक यू। ग्राम पंचायत जलदा की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ, मन नरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत जलदा, सरपंच नानूलाल, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच जलदा, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। ग्राम पंचायत सेवना की ओर से देशवासी प्रदेशवासी और वागड़ वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निम्न योजनाओं का लेवे लाभ, मन नरेगा योजना, वृक्षारोपण, प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य वित्त आयोग, स्वस्थ भारत मिशन, 15वां वित्त आयोग। निवेदक कार्यालय ग्राम पंचायत सेवना, सरपंच कन्हैयालाल, उप सरपंच एवं समस्त वार्ड पंच सेवना, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।